नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान है अमरीश सिंह पुष्कर जी, जो कि मोहनलाल गंज लखनऊ जिले से विधायक हैं। नमस्कार सर। जैसा कि हम जानते हैं कि आप पेशे से वकील रह चुके हैं और कई समय पे आपने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, सर राजनीति में आने का ऐसा क्या कारण था? समाज सेवा तो मैं बचपन से, पहले मेरे पिताजी जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे, उसके साथ साथ वो गांव में लोगों से मिलना, लोगों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग दलित समाज से आते हैं, वहाँ के छोटे छोटे लोग हैं। मेरे पिताजी अपने गांव में पहले ऐसे शिक्षित व्यक्ति थे जो सरकारी सेवा में पहुँचे, एक अच्छे पद पर पहुँचे, और उसके साथ साथ वो गाँव में लोगों की, जो भी समाज के और पिछड़े लोग थे, दलित लोग होते थे, उन सबकी जो समस्याएं होती थी, लोग उनसे आशा करके उनके पास आते थे, तो उसका निराकरण करने का बराबर प्रयास करते थे। तो मैं उनको देख के बचपन से ये प्रेरणा लेता रहा कि अगर आप किसी पद पे अच्छी जगह पर पहुँचते हैं तो लोगों को समाज सेवा करनी चाहिए, लोगों को हितों की रक्षा करनी चाहिए। उसी के तहत मैं तो एक आगे वकील हुआ, मोहनलालगंज तहसील में वकालत कर रहा था। वकील होने की ऐसे ऐसे समाज की जो समस्या मेरे कॉलेज में आती थी, जो कुछ भी हमारे संज्ञान में आता था, तो हम उसको जो समय जो थाने के मैटर हो, चाहे तहसील के मैटर हो, जितने भी मामले होते थे, वकील कैसे से मैं उसको निराकरण करने का यथासंभव प्रयास करता था, कोशिश करता था कि ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, क्योंकि जो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो गरीब लोगों का क्षेत्र, तो वहाँ पर जो लोग आते थे मोस्टली गरीब ही होते थे, तो उनकी समस्याओं को बिना धन लिए या बिल्कुल कम न्यूनतम उनका पैसा खर्च कराया, उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता था। ये जज्बा मेरे अंदर बचपन से ही लगता था कि मैं, मेरा जीवन है, मैं किसी के काम आ सकूं, ये मेरा उद्देश्य था। सर, राजनीति में आने का क्या कोई ऐसा कोई खास कारण रहा सर? देखिए, राजनीति में आने का खास कारण ये होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, कहीं पर आपको कोई दिक्कतें महसूस होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में और उनके द्वारा हमको एक अच्छा संरक्षण मिलता है, और उसी के तहत हम लोग के लिए जो लोगों की समस्याएं वो काफ़ी मजबूती के साथ हम लोग उसको सुलझा सकते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो फिर हमारी बातों को और ज़्यादा गौर से सुनने का प्रयास करते हैं अधिकारी लोग और हमारी बात को प्राथमिकता देते हैं। ये मेन वजह ये थी हमें राजनीति में आने का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके 2.5 साल के कार्यकाल में आपने किन क्षेत्रों में जनता के लिए खास काम किए हैं, और जो आने वाला आपका कार्यकाल जो अभी बचा है उसमें आपकी क्या रूपरेखा है हमारी जनता के? देखिए, वर्तमान समय में मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग विपक्ष हैं और विपक्ष की सरकार है। हमारे द्वारा विधायक की हैसियत से जितने भी मामले हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती है, जो भी होता है, उसको मैं सदन के माध्यम से या अधिकारियों से मिलकर उसको निस्तारण करने का पूरा प्रयास करता हूं। और उसके अलावा विधायक निधि जो हमारी है, उसके माध्यम से जो लोगों की जो समस्याएं हैं, विधायक निधि से मोस्टली लोगों की ऊर्जा, सोलर लाइट देना, हैंडपम्प प्रदान करना, छोटी मोटी सड़कों का निर्माण करना, और जो भी समस्याएं आती हैं विधायक निधि के तहत, उसको मैं कराने का पूरा प्रयास करता हूं, और ये सोचता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को तो मैं लाभान्वित कर सकूं, उनको सुविधाएं दे सकूं। मेरे द्वारा अब तक करीब क्षेत्र में कम से कम 80 सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें क्योंकि वर्तमान समय में मेरी पत्नी विजय लक्ष्मी है जो कि कुमलालगंज ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख है, और विधायक बनने से 1 साल पहले ब्लॉक प्रमुख बनी थी, अभी वर्तमान समय में ब्लॉक प्रमुख हैं, तो ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से, उनके धन से और अपनी विधायक निधि के धन से हमने लगभग अब 100 रोडों का करीब निर्माण हमने अपने इस कार्यकाल में करवा चुका है। आने वाले जो समय है, तो मैं लगातार जो बड़ी बड़ी समस्याएं जिसके द्वारा सरकार द्वारा ही हल हो सकती है, तो उसके लिए बराबर संघर्ष कर रहा हूँ, जिससे हम इस समय वर्तमान समय में हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि भी हमारे क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज नहीं, पूरे मेरी मोहनलालगंज विधानसभा में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं, क्योंकि दलित बहुल क्षेत्र है,
मोस्टली लोग गरीब हैं निजी कॉलेज तो, लेकिन निजी कॉलेजों में जितना शोषण होता है जितनी फीस होती है, तो मैं नहीं समझता कि हमारे क्षेत्र के लोग उतनी फीस जो है वो वहन कर पाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आज भी लोग मजदूरी करते हैं क्षेत्र, चूँकि किसान और मजदूर ज़्यादा है हमारे क्षेत्र में, तो वो अपने बच्चों को कुछ शिक्षा तक इंटर तक तो किसी तरह पढ़ा लिया, लेकिन आगे अगर कुछ शिक्षा अगर उनको दिलानी तो निजी कॉलेजों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो मैं निरंतर ये प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी सदन चल रहा है, मैंने सदन में भी याचिका लगा रखी है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज जिसमें हो, जिसमें हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चे बगैर धन की अभाव में उनकी शिक्षा न रुक सके और वो पूर्ण रूप से ग्रेजुएट हों, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, ये मेरा प्रयास है। और भी हमारे क्षेत्रों में लोगों की तमाम हमारे क्षेत्र के ऐसे जो बड़ी समस्याओं में है, नहर का साधन हमारे एक विकास खंड में है, हुसैनगंज में हमारे नहर का आती है, बड़ी नहर है, वहाँ के लोग को पानी की समस्या नहीं है, लेकिन हमारा मोहनलालगंज विकास खंड में लगभग आधा विकास खंड ऐसा है जहाँ नहर के पानी की नहीं पहुँच पाता, और आज भी वहाँ प्रयास है कि जब तक राजकीय नलकूप की स्थापना नहीं होगी वहाँ पे, तब तक हमारे क्षेत्र के किसान उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। आज भी किसान पानी के अभाव में उनकी खेत बगैर बुआई के पड़े रह जाते हैं। ये हमारे क्षेत्र की समय सबसे बड़ी समस्या है जिसको हमें आने वाले समय में इसको दूर करना। सर, जैसा कि भारतीय राजनीति में कई पार्टियां हैं, कई पार्टियां सत्ता में आके जा भी चुकी हैं, सर समाजवादी पार्टी को चुनने का कोई खास वजह? समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, उनकी विचारधारा, उन्होंने कभी जाति पात धर्म को लेकर राजनीति नहीं की, उन्होंने विकासवादी राजनीति की, सभी को लेके समाजवादी विचारधारा को, क्योंकि समाजवादी विचारधारा में चाहे छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो किसी जात पात के कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको साथ लेने की कला है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, उनसे मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ और उनके द्वारा किए गए जो उनके शासनकाल में किए गए कार्य हैं उससे मैं बहुत ही प्रभावित रहा हूँ, और मैं समझता हूँ उनको हमें आने वाले समय में उनको प्रदेश दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा लेगा, और निश्चित तौर पर अगर इस प्रदेश का बगैर किसी जाति धर्म के सब को लेके अगर कोई चलने वाले नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्हीं के ही शासनकाल में इस प्रदेश का पूरा विकास हो पाएगा। मैं उनसे प्रभावित रहा हूँ, हमेशा मेरे लिए अखिलेश यादव जी आदर्श हैं और मैं उन्हीं की पार्टी में उन्हीं की प्रेरणा से मैं चल रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे टिकट दिया, क्षेत्र की जनता ने मुझे सम्मान दिया, जहाँ पूरे क्षेत्र में भाजपा की लहर थी हमारे विधानसभा ने हमको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमको विधायक चुना। मैं अपने क्षेत्रवासियों का और माननीय श्री अखिलेश यादव को बहुत अभिनंदन कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा। सर, हमारी जनता जानना चाहेगी कि क्या प्रदेश सरकार से आपको पूरी मदद मिल रही है, और अगर कुछ कमी आ रही है तो आप किन चीजों की अपेक्षा करते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार तो पूरा भेदभाव कर रही है। आज आप समझ लीजिए कि हमारे विकास खंड मोहनलालगंज में हमारी विधानसभा में एक भी नया कार्य इस सरकार द्वारा बीते ढाई सालों में नहीं कराया गया। मैं बराबर मांग कर रहा हूँ तमाम हमारे क्षेत्र के ऐसे गांव हैं जो आज भी नॉट कनेक्टिविटी में, और वो गांव मजरे ऐसे हैं जो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। सरकार का एक अभियान था कि हम भाजपा सरकार का अभियान था कि हर गाँव को मैं जुड़ूंगा, जो नहीं जुड़ पाए हैं, जो 250 से अधिक आबादी को, लेकिन आज भी हमारा मोहनलालगंज पूरी तरह से उपेक्षित है। हमारे गांव में मैं नहीं समझता किसी एक भी गांव को अब तक इन्होंने ढाई साल में मुख्य मार्ग से जोड़ा हो। हमारे क्षेत्र को पूरी तरह उपेक्षित कर रखा गया, सरकार से किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके पहले अभी माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हर विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए देने की घोषणा की गई थी जिससे अपने क्षेत्र का मैं विकास कर सकूँ, लेकिन वहाँ पर भी भेदभाव हुआ। आज समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते हमको हमारे क्षेत्र को वो धनराशि नहीं आवंटन की गई और हमारा क्षेत्र आज भी विकास के मामलों से भेदभाव किया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई सहयोग शासन द्वारा नहीं। सर, कुछ खबरों द्वारा हमको ये पता चला है कि आपके ऊपर एक महिला द्वारा FIR दर्ज कराने का मामला सामने आया था, इसमें कितनी सत्यता है सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपकी बात है कि कोई महिला द्वारा एक FIR करने का मामला संज्ञान में आया था,
वो मामला पूरी तरह से फर्जी है। वो मामला, वो महिला जो है मेरे गांव की है और काफी बुजुर्ग लेडी है, इसी के बहकावे में आके वो तो बिल्कुल अनपढ़ है उनको तो, और उसके बाद से वो कभी सामने हमारे नहीं आई। पता नहीं उनसे क्या लिखा कि क्या डाला गया, आज तक मेरे सामने आती तो शायद मैं उनसे पूछ सकता था आपको क्या दिक्कत है। वो हमारे संपर्क में 15-20 साल से हैं, जब भी दुख मुसीबत पड़ा है वो हमारे साथ खड़ी रही, उनके साथ खड़े, कभी ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। लेकिन ये FIR हुई, FIR के बाद उसकी जांच भी हुई, उसमें फाइनल लग गया। उसमें क्योंकि जांच में मामला पूरी तरीके से झूठ पाया गया, असत्य पाया गया, और मेरे मैं उसमें बिल्कुल पाक साफ भरी हुआ हूँ। ये थाना मोहनलालगंज के द्वारा इसमें वो लगाई जा चुकी है, और वो किसके बहकावे में आके क्यों किया वो मैं नहीं समझता। लेकिन वो FIR दर्ज करने के बाद वो महिला न दोबारा थाने गई और ना उसके बाद कभी हमसे मिली है, न कोई शिकायत दोबारा इस सामने आई। वो मामला पूरी तरीके से सर हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेश की जनता या मोहनलालगंज की जनता को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? प्रदेश की जनता को मैं कहूँगा आपसी भाईचारा वर्तमान सरकार के बहकावे में ना के, जो आपसी भाईचारा जो हम लोग गंगा जमुनी सभ्यता के हम लोग पुराने इस देशवासी हैं, सभी चाहे हिंदू मुस्लिम, हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, आपस में सदैव लोग मिलके रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जिससे ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं रहा है। हमेशा मुस्लिम लोगों ने होली में सहयोग किया है और हमारे हिंदू भाइयों ने हमेशा ईद में मिल जुल के, हम लोग भी बचपन से ईद और होली साथ साथ मिल के मनाते चले आए हैं। किसी बहकावे में ना आए, आपसी जो प्यार और भाईचारा हम लोग का बना है इस तरह बना रहे, यही मैं कहना चाहूँगा। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेश की जनता को और आपकी खुद मोहनलालगंज की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रदेशवासियों से और अपने मोहनलालगंज क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो ये तनावपूर्ण माहौल सरकार द्वारा या यहाँ किसी संगठन द्वारा तैयार किया जा रहा है उसके बर्ताव बिल्कुल ना आए, और आपस में जो प्यार मोहब्बत है, हिंदू मुस्लिम हो चाहे सभी लोग हों, गरीब हों चाहे पिछड़े हों, सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, इसी तरह मिलजुल के रहें, यही मेरे अपने प्रदेशवासियों से अपने क्षेत्रवासियों से कामना है। तभी हम लोग इस जो सरकार है वर्तमान समय में जो हम लोग विभाजन करने का काम करना चाह रही है, जो जाति धर्म के नाम पे संप्रदाय के नाम पे बांटने का प्रयास कर रही है, उसमें कभी वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी तक हमारे साथ जुड़े थे माननीय अमरीश पुष्कर जी, आशा करते हैं कि आपको और नए चेहरों के साथ मुलाकात कराते रहेंगे। पर्ल ऑफ इंडिया खास मुलाकात में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।